Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस हैं और हम अक्सर ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में आसानी से बता भी देते हैं, लेकिन अगर बात करें रहस्य से भरी जगहों के बारे में तो ऐसी जगहों में दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है वैज्ञानिकों के लिए उतना ही बड़ा एक रहस्य बनी हुई है और जिसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हम बात कर रहे हैं रहस्य का सबसे बड़ा उदाहरण इजिप्ट के पिरामिड्स। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स अपने रहस्य के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे तो इजिप्ट में 138 पिरामिड्स थे, लेकिन इस समय 3 पिरामिड्स सबसे फेमस हैं। इनमें से सबसे बड़े वाले पिरामिड्स को 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ये पिरामिड 4500 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन आज भी ये बात एक सीक्रेट है कि ये पिरामिड किसने बनाए थे और किस तरह बनाए होंगे, क्योंकि 4500 साल पहले ना तो वहाँ के लोग के पास कोई एडवांस मशीनें थी, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन और ना ही बिजली का कोई साधन। उस समय ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई दूसरे टूल्स पाए जाते थे। उस समय कॉपर ही पाया जाता था, जो बहुत ही मुलायम धातु है, और इसके औजार बनाकर पत्थर नहीं काट सकते थे। पुराने समय में राजाओं की कब्रों को रखने के लिए पिरामिड्स को बनाया गया था ताकि वह सेफ रह सके। वहाँ के लोगों का मानना था कि डेथ के बाद नया जीवन मिलता है, इसलिए उनके शव के साथ खजाना और ज़रूरी सामान भी रखा जाता था। उनके शवों को सेफ रखने के लिए मम्मी बनाकर रखा जाता था। इजिप्ट के लोगों का मानना है ऐसा करने से मरने वालों को सुरक्षित अगले जन्म तक पहुँचाया जा सकता है, इसलिए शव पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। फिर शव लेनिन नमक कपड़े को लपेट कर दफन कर देते थे, मगर आज तक इस पिरामिड में एक भी ममी नहीं मिली है। इन पिरामिड्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इन लोगों ने इन पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन भी 20,000 से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन पत्थरों का यूज़ किया गया, उस एक पत्थर का वेट 2700 से 70 किलो तक का है, और एक पिरामिड को बनाने में लाइमस्टोन के 23,00,000 पत्थरों का यूज़ किया गया है। बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के इतने साल पहले 70,000 वेट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है जिस पत्थर से पिरामिड बना है ये लाइमस्टोन नहीं है, ये उसकी तरह दिखता है और ये बहुत ही मजबूत है। इसके जैसा पत्थर दोबारा नहीं पाया गया। ये पत्थर भूकंप और बहुत ज़्यादा हीट को भी सहन कर सकता है। बाहर का तापमान कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, मगर पिरामिड के अंदर हमेशा 20 डिग्री ही होता है। इन पिरामिड्स को लेकर थ्योरिस्ट का कहना है आकाश में तारों का एक नक्षत्र है जिसका नाम है ओरियन बेल्ट, जिनके मेन 3 तारे हैं जिनके नाम हैं जीटा, एप्सिलॉन और डेल्टा। रात के समय अगर पिरामिड को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे इन तारों के साथ अलाइन हो। ये बात तो किसी को नहीं पता कि ये पिरामिड अलाइन ने बनाए हैं या इंसान ने। रात के समय अगर पिरामिड को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये इन तारों के साथ अलाइन हो। ये बात तो किसी को नहीं पता कि ये पिरामिड एलियन ने बनाए हैं या इंसान ने, मगर कुछ थ्योरिस्ट का मानना है इन्हीं तारों से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में एलियन पुराने समय में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने ही इन पिरामिड्स को बनाया। पिरामिड्स में बहुत से रहस्य हैं, जिनमें से एक है इनमें हर जगह बने हुए ये टनल, जिनमें 3 चैम्बर हैं। इस टनल में और कितने चैम्बर हैं ये आज तक पता नहीं चला। इस टनल के अंदर एक रोबोट को भेजकर पाया गया। हर टनल के एंड में एक दरवाजा बना है जिससे ये बात साफ है ये हवा क्रॉस होने के लिए तो नहीं है। उस समय के लोगों का मानना था कि राजा के शव को इसमें रखा गया तो उसकी आत्मा सीधे उन तारों तक पहुंच जाएगी। इस टनल में एक बंद दरवाजा पाया गया है जिसके ऊपर पिन जैसा कुछ लगा था, पर जब इस दरवाजे के अंदर तक टूल की मदद से कैमरा भेजा गया तो उनमें बस एक तस्वीर आई, जिसके बाद कैमरा एक रहस्यमय तरीके से बंद हो गया और इस बात का भी पता नहीं चल पाया कि अंदर उस कैमरे के साथ क्या हुआ कि कुछ देर बाद वो कैमरा खराब हो गया।